दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समान हिंदी की एक बेस्ट बुक के बारे में जो कि है चक्षु प्रकाशन की। यूपी बीएड के जितने भी छात्र हमारे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं आप सबको पता होगा बीएड पर इस परीक्षा में 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप 50 में 50 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो ये बुक आप लोग जरूर पढ़ें। ये बुक का कवर पेज होने वाला है, ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की यूपी लेखपाल वैकेंसी हो, वीडियो भर्ती हो, यूपी बीएड में खासकर आपके ये काम आने वाला है। इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखाने वाला हूं। इसको आप ओपन करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये इसका इंडेक्स होने वाला है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से सब सिस्टमैटिक तरीके से अध्यायवार सारे टॉपिक को क्लियर किया गया है। आपकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं। इसमें सब कुछ आपको टॉपिक वाइज दिए गए, जितने भी सब टॉपिक बनते हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। देख सकते हैं ये अध्याय वन है, इसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में आपको हिंदी समझाया गया है। आप बहुत अच्छी तैयारी इससे कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से भी खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी इसको ईजिली आप परचेस कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को बताया डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी का एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसमें आप टॉप 25 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उसमें से अगर आप 20 प्लस भी करते हैं सही तो मतलब आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइएगा और वीडियो के एंड में आप लोग जरूर बता देना कि टोटल नंबर आप क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही है। अगर 20 से ज़्यादा जाते हैं सही मतलब आप इस टेस्ट में पास हो गए मान लीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिए, बहुत सारे बच्चे क्लास को पूरा देख के चले जाते हैं यदि लाइक तक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अभी से अभी कर दें वरना आप लोग भूल जाएंगे आगे चल के। तो जल्दी से लाइक कर दो भाई। बाकी क्लासेस की टाइमिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इन टाइमों पर हमारी आगे की क्लास चलती है और साथ साथ हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली नहीं बोली जाती है। वन का आंसर लिखिए कमेंट में, क्वेश्चन नंबर वन डालिए, ए बी सी डी जो सही उत्तर लगे वो कमेंट करके बता दीजिए हमको। तो क्वेश्चन नंबर वन का उत्तर बता दो जल्दी से। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी का उत्तर हो जाएगा। पहाड़ी बोली जो है आपकी ये नहीं बोली जाती है, ठीक है। पहाड़ी बोली या उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती है। बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर दो है, ये एक आपको चिन्ह दिया गया, ये विराम चिन्ह प्रतीक है। किस विराम चिन्ह का प्रतीक है भाई? दो नंबर का उत्तर कॉमेंट करके बता दो फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तुल्यता सूचक का चिन्ह है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है बता दो स्टूडेंट्स। थ्री का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन नंबर थ्री का उत्तर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, का जो है आपका अघोष वर्ण है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर चार है, प्रतिमान में समास बता दो, कॉमेंट करिए प्रतिमान में कौन सा समास है। बिल्कुल, चार नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। अगला है क्वेश्चन नंबर पांच है, तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कैसा शब्द है ये आपको बताना है यहां पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फाइव का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अमृत जो है आपका तत्सम शब्द है। बिल्कुल, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो होता है अमीय, ठीक है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर छः है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर छः का उत्तर आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, डी का उत्तर हो जाएगा विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सात नंबर का उत्तर कमेंट कर दो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, सभी लोग लाइक कर दो क्लास को भाई। 200 लाइक का टारगेट है इस क्लास पे, 200 लाइक कंप्लीट जरूर करवा दीजिए, देख लो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। सेवन का उत्तर आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सेवन का ए भावी, भविष्य में होने वाला भावी। अगला देखो आठ नंबर है, हास रस का स्थायी भाव क्या है। आठ का उत्तर दीजिए, हास रस का स्थायी भाव बता दीजिए आप लोग। आठ नंबर का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हाश हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर नौ है आपके सामने, प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद है ये बता दो भाई। नौ नंबर का उत्तर दो जल्दी जल्दी कमेंट करो आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, प्राण मुख हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर दस है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा बताओ। दस का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर,
क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर सी करेक्ट उत्तर हो जाए पर ला। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द बता दो छात्रों जल्दी से। सबको पता है भाई बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, 20 से ज्यादा ही प्रश्न आपके सही जाएंगे, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे। देखो भाई 11 नंबर का उत्तर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विहित हो जाएगा। अगला देखो भाई 12 नंबर, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है, बता दो वाच्य बता दो इस वाक्य का जल्दी से भाई। 12 नंबर का उत्तर बताओ फटाफट, बिल्कुल 12 का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए का उत्तर हो जाएगा, कृतवाच्य है। इसके बाद अगली क्लास 11 बजे जीके की लाइव क्लास होगी, आप लोग जुड़िएगा जरूर। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दी किया, तो अध रेखांकित शब्द क्या है, अध क्या है अधमरा में, बहुत आसान है भाई, 13 का बी हो जाएगा, उपसर्ग है ये अध। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, चलो बताओ दया प्रार्थना वायु नेत्र, इसमें पुल्लिंग बता दो कौन सा है, तीन आपको दिख गए होंगे यहाँ पर स्त्रीलिंग। 14 नंबर का उत्तर डी का उत्तर हो जाएगा, नेत्र जो है आपका साथियों ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग केवल। अगला देखो 15 नंबर, कौन सा शब्द वृद्धि संधि स्वर संधि है, 15 का उत्तर दें आप लोग, बिल्कुल 15 का उत्तर आपका ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, महाजौस्वी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति बता दो, 16 नंबर का उत्तर बताइए, वेरी गुड। देखो भाई 16 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए का उत्तर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाना। अगला देखो भाई 17 नंबर, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों के पंक्ति को चुनिए, ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें सारे शब्द पत्थर के पर्यायवाची हों, बिल्कुल भाई 17 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, प्रस्तर पाषाण और उपल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 है, भैरवें किस प्रकार का छंद है साथियों, 18 नंबर का उत्तर दिए, भैरवें किस प्रकार का छंद है पूछा गया है, उत्तर करें सब लोग जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया 18 नंबर का उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मात्रिक समछंद है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए, 19 का जवाब दें आप सब लोग, बहुत बढ़िया 19 नंबर का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लंबा। अगला देखो भाई 20 नंबर है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, गंगा तट में समास बता दो जल्दी से, 20 नंबर का उत्तर, बहुत बढ़िया। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का उत्तर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है, तद्भव शब्द पहचानिए, 21 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आंख। अगला देखो भाई 22 नंबर, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है, हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बता दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया भाई 22 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिलाषा हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा अभिलाषा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक में कौन सी क्रिया है, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया भाई जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। 23 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का उत्तर हो जाएगा, आक्रामक क्रिया है। अगला देख लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, प्रश्न है कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो भाई सबसे पहले आपको जानना होगा कृषाणु किसको कहते हैं, कृषाणु अग्नि को कहते हैं भाई, ठीक है तो अब तो आप लोग बता ले जाओगे ना कि कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल भाई 24 का उत्तर कर दो डी अतुल हो जाएगा, बिल्कुल 24 का क्या हो जाएगा अतुल हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। अगला देखो भाई 25 नंबर, ये आखिरी प्रश्न इस टेस्ट का, सिर पे बैठे काग, सिर पे बैठो काग आंखी दो खात निकारत, पंक्त में रस कौन सा है, और 25 नंबर का जवाब दीजिए, इसके बाद आप लोग कमेंट कर दो टोटल नंबर आप, यानी 25 में से कितने प्रश्न सही किए आपने, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, विभत्स रस, बहुत बढ़िया। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में सुबह 11 बजे जो होगी जीके वाली में, आइएगा जरूर, इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बता दो कितने प्रश्न सही गए आपके।